भारत ठाकुर इब्रान नाक्शकस के बाद पाकिस्तानी शायकीन आग बगोला और साबिक क्रिकेटर्स के तोपों का रुख पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के तरफ है। कल मैं जब टीवी देख रहा था और जितने नाकदीन क्रिकेटर्स बैठे हुए थे, एक बात मेरे जहन में आई कि ये सब क्रिकेटर्स जो आज इस पाकिस्तान टीम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, हम भी वैसे तो कर रहे हैं, मगर ये सब क्रिकेटर्स को एक एक मौका मिला कि आप भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप में मैदान में उतरें और भारत को हरा के दिखाएं। सारे क्रिकेटर जितने तनकीद कर रहे हैं, मैं बाय नेम आपको बताऊंगा, जितने पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में बैठे तनकीद कर रहे थे, कईयों को तो दो दो तीन तीन बार भी मौका मिला कि आप इंडिया को हरा के दिखाएं, कोई कामयाब नहीं हुआ। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वसीम अकरम, वकार यूनस तो खैर कमेंट्री पैनल में है, मिसबाहुल हक, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, जावेद मियादाद, यू नेम एनी क्रिकेटर जो तनकीद कर रहे थे कल बैठे यहाँ पर, सबको मौका मिला। वसीम अकरम को तो 92 से शुरू हुए, फिर उनको 96 में, अगरचे वो इंजरी की वजह से वो नहीं खेल पाए थे, बट 99 में मौका मिला, 2003 में मौका मिला, उनको तो लगभग तीन चार मौके मिले मगर वो नहीं कर पाए। शुएब मलिक को मौका मिला 2019 में, पहली बॉल पे वो क्लीन बॉल्ड हुए थे। मोहम्मद आमिर को मौका मिला, इमाद वसीम को मौका मिला, सबको मौका मिला, सबकी बारी आई, सब हारे। और ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि ये टीम इतना बुरे हारी है तो वो भी हारी तो क्या मसला हुआ, मैं इस पर बात नहीं कर रहा, मैं इस चीज़ पर बात कर रहा हूँ कि भाई जितने बता रहे थे ना कि आप इस तरह से खेलते तो जीत जाते, उस तरह से खेलते तो जीत जाते, आप ना डरते, आप बुजदिल होकर खेले हैं, आप डरपोक बन गए हैं, आप डिफेंसिव खेले हैं, ये जितने सब लफ्ज या शब्द यूज़ कर रहे हैं ना, सब अपनी अपनी बारी में खेल चुके हैं। और इनकी बारी में भी यही कहा जाता रहा कि आप डरपोक खेले हैं, आप डिफेंसिव खेले हैं, आप डरे हुए थे, आपके हाथ पांव फूले हुए थे, आपके साथ अब नज़र ही नहीं आए, वो नहीं खेले। 2011 को ही लोग कहते हैं कि शायद थोड़ा चढ़ के खेले हम, मगर वो भी हम हारे थे। तो सच ये है कि इंडिया के खिलाफ बड़े मंच में हम हमेशा हारते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दोस्तों, अब जितनी मर्ज़ी तनकीद कर लें इन क्रिकेटर्स के ऊपर, आप किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कह दें कि आप अपनी 11 बनाकर, भले जो भी और भी क्रिकेटर्स को शामिल कर लें, ये 15-17 को छोड़ के और भी शामिल कर लें, आप इस इंडिया के खिलाफ मैदान में उतार लें, आप हारेंगे। हो सकता है हार का जो मार्जिन है वो कम हो जाए, थोड़ी गेम का मज़ा है, मगर फिर भी आप हारेंगे। आप इनके साथ 5 मैच खेल लें, आप 5 मैच हारेंगे। आप दुनिया के जिस मर्जी ग्राउंड में खेल दें, आप इंडियन शायकों का निकाल के पूरा ग्राउंड पाकिस्तानी शायकीन से भर लें, आप फिर हारेंगे। सच ये है, और सच ये बहुत कड़वा है। उसकी वजह है दोस्तों, एक मैं अक्सर एक मुहावरा जो है मैं बोलता भी हूँ, सुन भी रखा है कि फसल राम की हो या रहीम की, पकती वही है जो धूप में पकता है। तो दोस्तों, आपको मेहनत जो करता है उसी को उसका फल मिलता है। वेरी सिंपल है, सिंपल रूल है। इंडिया ने अपना स्ट्रक्चर क्रिकेट का इतना बेहतर कर लिया कि वो आपसे कोसों दूर हो गया। आप T20 में उनके साथ थोड़ी बहुत फाइट कर लेते हैं, मगर अब ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। अभी 3 हफ्ते पहले कोलंबो में भी आपके साथ यही हुआ, उन्होंने 356 मारे, आप 128 पे ढेर हो गए, 228 से आप हारे। आप थोड़ी बहुत आपने अच्छा बॉलिंग डाली आपने पाले केले में, बट मुझे लगता है उस कंडीशन में वो बॉलिंग भी बहुत तगड़ी थी। तो सच ये है कि हम इंडिया के साथ, अब मैंने पीछे से जो लेके गया हूँ, अगरचे उस टाइम पे शायद हम थोड़े बेहतर थे इंडिया से, मगर तब भी हम हारते रहे थे, शायद प्रेशर गेम तब भी हम अच्छा नहीं खेलते थे, जो मैंने 92 और बाकियों का जिक्र किया। तो अब है क्या, हम इस हार से कुछ शायद सीख सकते हैं, हम इनफरादी क्रिकेटर्स भी सीख सकते हैं, हम बहसीत कौम भी सीख सकते हैं। आप क्रिकेट को लेके, एक सिर्फ क्रिकेट बच्ची है जिसको लेके आप थोड़ा बहुत कंपैरिजन करते रहे हैं इंडिया के साथ, मुझे लगता है कि शायद आप वो भी नहीं करना चाहिए, और हमें सीख लेनी चाहिए, खा वो इंडिया है या कोई भी देश है, हमें सीख लेनी है कि भाई वो कैसे ऊपर पहुंचा, वो कैसे वहां पर पहुंचा। हम शायद बातें या मजाक या मीम्स के चक्कर में शायद किसी से आगे हो सकते हैं। इंडिया चांद पर पहुंचा तो हमने मजाक उड़ाया, इवन कि हमारे पॉलिटिशियन हुए और साइंस के मिनिस्टर ने मजाक उड़ाया था, आज दुनिया भर उनकी तारीफ कर रहे हैं। भाई मैं सारे पूरे सिनेरियो की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्रिकेट को लेकर बात नहीं कर रहा। इंडिया कैसे ऊपर गया, उनका एक एक क्रिकेटर इंडिया के अंदर नहीं वर्ल्ड के अंदर स्टार है। आप 11 को मत देखें, आप पूरा 15 का वर्ल्ड कप का स्क्वाड उठा के भी देख लें, आपके पास पीछे बेंच में वसीम जूनियर मौजूद हैं, सलमान आगा हैं और उसामा मीर हैं, उनके यहाँ शामी हैं, अश्वन है, सूर्य कुमार जादी हैं, उनका बेंच भी आपसे तगड़ा है। अभी एशियन गेम्स के अंदर भी उनकी ए टीम आपसे जीती है, ठीक है, एशिया मर्चिंग कप में हम जीते थे, और मतलब हमारे पास शायद एक वो टैलेंट है थोड़ा सा बेहतर, या क्रिकेट एक वाहिद गेम बच गई है जिसके अंदर हम थोड़ा बहुत अपना आप दिखा देते हैं, वो टैलेंट कहीं क्लिक करता है तो हम जीत भी जाते हैं, मगर ऑन द होल मेजॉरिटी गेम्स के अंदर इस टीम के साथ हम इंडिया से हारेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप ये वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेकर चलें तो शायद 5 के 5 मैच भी आपके हों तो हम नहीं जीत पाएंगे। बीच में कहीं से कोई बड़ा स्पेल हो जाए या कुछ मैजिक, या मैं उसको फ्लूक कहूँगा, अगर पाकिस्तान कहीं से हरा सके। तो मुझे लगता है कि तनकीद तो बनती है इस टीम के ऊपर, इनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी, अगरचे आज अफगानिस्तान टीम जो पहला पावर प्ले खेली है वो मुझे लगता है पाकिस्तान टीम के लिए सीख है कि भाई आपको चढ़ के खेलना पड़ेगा, और पाटे विकेट के ऊपर भी आप डर के खेलेंगे तो क्या बनेगा। ये तनकीद बनती है, ऑफ कोर्स
हार का मार्जिन कम हो सकता था, मगर टीम इंडिया तगड़ी है। और वो तगड़ी कैसे हुई, अपने स्ट्रक्चर को बेहतर किया है उन्होंने, अपनी चीज़ों को बेहतर किया, और ख़ुद इंडिविजुअल क्रिकेटर्स ने बहुत मेहनत की है। आप इंडिविजुअल क्रिकेटर्स की बॉडी स्ट्रक्चर को देख लें, पाकिस्तान के भी और इंडिया के भी, आपको फ़र्क नज़र आएगा, आपको पता चल जाएगा कि किसने ज़्यादा मेहनत की है। बाबर और विराट कोहली का वैसे मुवाजना करते हैं, दोनों के फिजिक का मुवाजना करके देखिएगा, हालांकि विराट कोहली एज में बड़े हैं बाबर आजम से। आप पांड्या का पाकिस्तान के किसी बॉलर्स के साथ करके देख लें, उनकी स्ट्रक्चर नज़र आती है। बुमराह गेंद किसी की भी बॉडी लैंग्वेज को आप देख लें, आप उनके स्पिनर्स को, हमारे नवाज़ हैं, उनके जड्डू हैं, आप उनकी फिजिकल फिटनेस को देख लें, आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। तो ये इंडिविजुअल मेहनत है जो सबको करनी है, जो मेहनत करेगा वो कामयाब होगा, जो नहीं करेगा वो बुरे से खेलेगा और उसके साथ ऐसी होगा। हमेशा किस्मत बुरी नहीं होती, हम में भी कुछ गलतियाँ होती हैं जो हमें खुद ढूंढनी है। मुझे लगता है कि अब मजाक करने, हसद करने या बातें करने या मीम्स बनाने का वक्त ख़त्म हो चुका, अब हमें भी दौड़ना पड़ेगा अगर हमें विनिंग स्ट्रीक तक पहुँचना है। और अदरवाइज़ ये 8-0, 9-0, 10-0 होगा और एक वक्त आएगा कि लोग कहेंगे ये इट्स नॉट अ बिग मैच, इट्स वन साइडेड मैच, मैच से पहले लोग ऐसी बातें करेंगे। तो मुझे लगता है ये मेरी राय थी, मैं अब तक पहुँचाऊँ। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, आप कमेंट के सूत्र में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।